वेलकम बैक स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, योर टुडेज टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वाटर टू अवर होम्स. पीपल इन सिटीज गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. शहरों में लोग पानी को टंकियों से प्राप्त करते हैं. द वाटर हैज़ टू ट्रेवल अ लॉन्ग वे टू रीच द टैप्स. पानी को टंकियों तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है. इन मैनी केसेस, कई मामलों में वाटर इज फर्स्ट पम्प्ड फ्रॉम अ सोर्स सच एज अ रिवर और अ लेक एंड कलेक्टेड इन अ रिजर्वॉयर. सबसे पहले क्या किया जाता है, वाटर को कई सोर्स से, कई स्रोतों से, जैसे कि रिवर, नदियों से, तालाबों से कलेक्ट करके उन्हें पंप किया जाता है और फिर उन्हें एक रिजर्वॉयर में कलेक्ट कर लिया जाता है. देन द वाटर इज अलाउड टू फिल्टर थ्रू लेयर्स ऑफ ग्रेवल एंड सैंड. फिर पानी को बालू और कंकड़ पत्थरों की लेयर से फिल्टर किया जाता है, उससे गुजारा जाता है. द डर्ट रिमेन्स बिहाइंड इन द सैंड. तो जो डर्ट होती है पानी की, वो बालू के अंदर रह जाती है. देन द वाटर इज ट्रीटेड विद सम केमिकल्स लाइक क्लोरीन टू किल द जर्म्स. फिर पानी को कुछ केमिकल्स के साथ उपचारित किया जाता है, जैसे कि क्लोरीन, जर्म्स को मारने के लिए. द क्लीन वाटर इज देन सप्लाइड थ्रू द मेन पाइप्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर स्मॉलर पाइप्स टेक द वाटर टू ईच हाउस. फिर जो क्लीन वाटर होता है उसे बड़े बड़े पाइप्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, और फिर द सिटीज वेयर स्मॉलर पाइप्स टेक द वाटर टू ईच हाउस. फिर सिटीज के हाउस में छोटे पाइपों के द्वारा उसे भेजा जाता है. जैसे सी द पिक्चर. सबसे पहले क्या किया है, सोर्स ऑफ वाटर, जो कि पानी के मेन स्रोत होते हैं, जैसे कि नदी, तालाब, इनसे पानी लिया जाता है. फिर सैंड एंड ग्रेवल क्लीन्स द वाटर. फिर इसे रेत और कंकड़ पत्थरों से गुजारा जाता है. फिर ट्रीटमेंट विद केमिकल. फिर इनका केमिकल के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है. फिर इनको बड़े टैंक में सप्लाई किया जाता है. फिर इनको इस टैंक से पाइपों के द्वारा घर के टैप्स में सप्लाई किया जाता है. इन द प्लेसेस वेयर टैप वाटर इज नॉट अवेलेबल, पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स एंड वेल्स. जब ऐसी स्थानों पर जहाँ पर पानी, टैप वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ लोग क्या करते हैं, नदियों से, तालाबों से और कुओं से, इन सब से पानी को खींचते हैं. द वाटर From these sources should be made fit for use by boiling, filtering and treating it with some chemicals such as potassium permanganate. ऐसे sources का जो पानी होता है उसे उबाल कर, छान कर और कुछ chemicals के साथ treat करके, कुछ chemicals मिला के, जैसे कि potassium permanganate, उसे पीने के लिए शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो सोर्स होते हैं
उनका पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। स्टेट्स ऑफ वाटर्स, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, पानी तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हेन वाटर इज कैप्ट इन फ्रीजर, जब पानी को फ्रीजर में रखा जाता है, इट चेंजेस इनटू आइस, सॉलिड, तो यह आइस में, बर्फ में चेंज हो जाता है, जो कि क्या होती है, ठोस होती है। तो ये पानी की क्या हो गई, सॉलिड स्टेट हो गई, क्या, आइस। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो पानी को फ्रीजर में रखकर आइस में चेंज करना, ये क्या हो गया, फ्रीजिंग। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। व्हेन आइस इज कैप्ट इन ओपन, जब आइस को खुले में रख दिया जाता है, इट चेंजेस इनटू वाटर, लिक्विड। तो ये क्या होता है, पानी में, वाटर में चेंज हो जाती है, जो क्या है, लिक्विड फॉर्म है। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म है। तो आइस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और इस तरह से सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाएगा, मेल्टिंग, पिघलना। व्हेन वाटर गेट्स बॉइल्ड, और जब वाटर को बॉइल किया जाता है, इट चेंजेस इनटू वेपर गैस, तो यह वेपर वाष्प में चेंज हो जाती है, जो क्या हो गई, जो पानी की गैस अवस्था हो गई। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, जो पानी का बॉइल करके गैस में बदलना क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। वाटर साइकिल, जल चक्र। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वाटर इज़ वेरी मच इसेंशियल एंड इज यूज्ड एवरीवेयर इन अवर डेली लाइफ। हम सभी के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और यह हमारी डेली लाइफ में सभी जगह प्रयोग किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट फ्रॉम वेयर डू द वाटर कम। तो अब क्या क्वेश्चन बनता है कि पानी, फिर इतना पानी आता कहाँ से है। तो द वाटर इज, वाटर प्रेजेंट इन वाटर सोर्सेज लाइक सीज, ओशियंस एंड रिवर्स गेट हीटेड अप बाय द हीट ऑफ द सन। जो वाटर के सोर्सेज हैं, जैसे कि रिवर्स, ओशियंस एंड सीज, इनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है, वो सन की जो हीट होती है, सूर्य के प्रकाश की गर्मी से गर्म होता है, विच चेंजेस इट इंटू वाटर वेपर। और इस तरह गर्म होने से सूर्य की जो गर्मी है, वो उसके पानी को वेपर में, वाष्प में चेंज कर देती है। दैट इज इन द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, जो कि पानी की गैसीय अवस्था में बन जाती है। वाटर वेपर्स स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स एज दे आर वेरी लाइट। वाटर वेपर ऊपर की ओर मूव करने लग जाती है, क्योंकि वह बहुत हल्की होती है। ऑन मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर मूव करते वक्त, वाटर वेपर्स कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक प्रेजेंट इन एयर, इन द एयर। तो ऊपर की ओर मूव करते वक्त पानी की जो भाप होती है, वो कई डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक, जो कि हवा में प्रेजेंट होते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में आती है। वाटर वेपर देन चेंजेस इंटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और फिर जब ये हाइट पर, ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तो ये वाटर वेपर जो होती है, वो पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में चेंज हो जाती है। व्हेन दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स कम क्लोज टू ईच अदर, और जब ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदें एक दूसरे के पास आती हैं, दे टेक द शेप ऑफ क्लाउड, तो ये बादल का रूप धारण कर लेती हैं, एंड बिकम हैवी, और जब ये हैवी हो जाती हैं, तो एंड फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो ये वर्षा के रूप में नीचे गिरने लग जाती हैं। एट टू नो द फैक्ट
रेन गेज इज अ डिवाइस टू मीजर द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल। रेन गेज एक ऐसी डिवाइस है जो कि रेनफॉल की क्वांटिटी को नापती है। द रेन वाटर फ्लोज ऑन द लैंड, वर्षा का जो जल है वो पृथ्वी पर, भूमि पर फ्लो करता है, बहता है, एंड देन इट फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और फिर ये नदियों में और झीलों में यहाँ पर बहता है। फाइनली इट गोज टू सी, और फिर बाद में यह समुद्र में पहुँचता है। दिस इज नोन एज द वाटर साइकिल, यह एक जल चक्र कहलाता है। सम वाटर गोज अंडरग्राउंड, और कुछ पानी जो होता है वो अंडरग्राउंड में चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। फ्रॉम देयर इट इज ड्रॉन आउट थ्रू वेल्स, हैंड पंप्स एटसेट्रा, फिर वहाँ से इसे कुओं के द्वारा और हैंड पंप्स के द्वारा खींच लिया जाता है एंड यूज्ड ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अदर पर्पस, और फिर उसे कृषि में और अन्य कामों में उसे यूज कर लिया जाता है। द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनोदर ओवर एंड ओवर अगेन मेक्स द वाटर साइकिल इन नेचर। इस तरह पानी का चेंज होते रहना, वाटर फ्रॉम वन टू अनोदर, तो इस तरह चेंज होते रहना, पानी बनना, फिर पानी से भाप, ये जो एक साइकिल है इसे बोलते हैं प्रकृति में जल चक्र। ये क्या है? एक प्राकृतिक जल चक्र है। योर चैप्टर इज फिनिश्ड।